हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी रिपीट। स्टडी रिपीट के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूं आप लोगों से इम्पॉर्टेंट जीके के बारे में, और ये जीके इम्पॉर्टेंट आपके सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए हैं। आप चाहे बैंक की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी के, रेलवे की, इधर आप उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल ये वीडियो होगा। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं पर डे जो वीडियो अपलोड करता हूँ अपने चैनल पर, आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। यदि आप सेम वीडियो, यही वीडियो का पीडीएफ या पूरा टेक्स्ट आप चाहते हैं, तो आपको मैं फेसबुक का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ क्लिक करके पूरा पूरा वीडियो आप वहाँ से देख सकते हैं। और ये जो टेक्स्ट है पीडीएफ फाइल, वहाँ से भी आप डाउनलोड करके आप रीड कर सकते हैं फ्यूचर के लिए। चलिए देखते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें है, उदय भूमि किस महान व्यक्ति की समाधि स्थल है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उदय भूमि जो रिलेटेड है, ये के आर नारायण की समाधि स्थल से रिलेटेड है, तो ये दिल्ली में सिचुएटेड है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उदयभूमि समाधि स्थल के आर नारायण से संबंधित है, तो आप कितना याद रखिए, इतना एनफ है। इस वीडियो में टोटल 30 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न के बारे में देखते हैं, मुखौटा लोक नृत्य कहाँ का है। मुखौटा लोक नृत्य जो है वो अरुणाचल प्रदेश का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पे है। कान्हा नेशनल पार्क इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, और इस क्वेश्चन के आने की पॉसिबिलिटी भी बहुत ही ज़्यादा है। तो आप लोगों से गुजारिश है, आप इस क्वेश्चन को याद रखिए ज़रूर, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत भारती किसकी रचना है। भारत भारती रचना किसकी है, मैथिली शरण गुप्त जी की है रचना भारत भारती। आप इतना याद रखिए, भारत भारती किसकी रचना है, मैथिली शरण गुप्त जी की है। आदि कवि किसे कहा जाता है, उस व्यक्ति का नाम क्या है जो आदि कवि के नाम से जाना जाता है, उनका नाम है वाल्मीकि जी। वाल्मीकि जी को आदि कवि के नाम से भी जानते हैं लोग, या यूं कहें कि इनका एक दूसरा उपनाम है आदि कवि। अगला प्रश्न देखते हैं, टाइगर ऑफ मैसूर किसे कहा जाता है। टाइगर ऑफ मैसूर कहा जाता है टीपू सुल्तान को। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टाइगर ऑफ मैसूर, आप इसे याद रखिए, टाइटल नेम है टीपू सुल्तान का। उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय लोक नृत्य क्या है, ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है, यदि आप उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, या एसएससी 10+2 लेवल, या उत्तर प्रदेश या किसी अदर स्टेट की बात कर रहे हैं, आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपके सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये हेल्पफुल होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो राजकीय नृत्य है वो कथक है। जो राज्य स्तर का राजकीय नृत्य है, जैसे राजकीय एक चिन्ह होता है, राजकीय पेड़ क्या होता है, ठीक है, इसी तरह से राजकीय नृत्य है कथक। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान में विधानसभा की कितनी सीटें हैं। 200 सीटें हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न देखते हैं, वेग राज सदिश है या अदिश। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम, स्पेशली फॉर रेलवे ग्रुप डी। इधर इट्स वेरी यूजफुल फॉर लोको पायलट, यदि आप तैयारी कर रहे हैं रेलवे की, तो उसमें आपके लिए हेल्पफुल होगा। वेग एक सदिश राशि है। मोनालिसा का चित्र किसने बनाया था, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोनालिसा का चित्र बनाया गया था लियोनार्डो द विंची ने बनाया था। अगला प्रश्न है, शिवाजी ने किस भाषा को राजभाषा बनाया था। यानी शिवाजी जब शासन करते थे, उस समय उन्होंने जो राजभाषा थी वो कौन सी थी, वो थी मराठी, जो कि महाराष्ट्र में थे वो, इसलिए वहाँ की भाषा हो गई थी मराठी। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है, उसका नाम है डीमोस। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आप इसे याद रखिएगा, सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है डीमोस। पीतल के बर्तन किन तत्वों को मिलाकर बनाया जाता है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को जरूर याद रखिए। जो पीतल का बर्तन होता है, आप पीतल का कोई भी पॉट होता है, वो किन धातुओं को मिलाकर बनाया जाता है, उसमें होता है कॉपर एंड जिंक। जहांगीर के बचपन का क्या नाम था, देखिए कभी भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन, जहांगीर के बचपन का क्या नाम था, उनका नाम था सलीम। अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। हैजा बीमारी कैसे फैलती है, इसका मेन कारण क्या है। हैजा बीमारी जो फैलती है घरेलू मक्खियों से फैलती है। देखिए घरेलू मक्खियों में क्या होता है कि वो इधर उधर उड़ती रहती हैं, कहीं गंदगी बैठती रहती है, कभी आप खाना खाते हैं या कुछ भी आप फूड्स
आप कंज्यूम करते हैं, खाते हैं, तो यदि वो बैठ जाती है उस पर तो पूरी तरह से इन्फेक्टेड हो जाता है खाना। इस वजह से या खाने वाले कोई भी सामान होता है जहाँ मक्खियाँ बैठ जाती हैं तो वो खाना बेकार हो जाता है, उससे चांसेस ज़्यादा होते हैं हैजा फैलने की। गीतांजलि किसकी रचना है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गीतांजलि रचना है रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पे बनाई गई है? मीनाक्षी मंदिर बनाई गई है मदुरई तमिलनाडु में है। तमिलनाडु वैसे भी जाना जाता है, बहुत सारे मंदिरों का शहर है तमिलनाडु, जहाँ पे बहुत सारे मंदिरें हैं। इतनी सारी मंदिरें हैं कि इंडिया में और ज़्यादा मंदिरें नहीं है जितना तमिलनाडु मंदिरें हैं। बहुत ही ज़्यादा मंदिरें हैं और काफ़ी अच्छी अच्छी डिजाइनों में मंदिरें हैं, कई सारे उसमें पुराने तरीके से मंदिरें बनाई गई हैं, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा मंदिर पाई जाती हैं तमिलनाडु में। पामीर के पठार का दूसरा नाम क्या है? पामीर का जो पठार है उसको किस नाम से और जाना जाता है? ये क्वेश्चन दूसरे तरीके से भी घुमा के पूछा जाता है कि एशिया की छत किसे कहा जाता है? पामीर के पठार को एशिया का छत कहा जाता है, या पामीर पठार का दूसरा नाम है एशिया की छत? हरियाणा राज्य की स्थापना कब हुई थी? ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरियाणा राज्य है, इसके जो स्थापना दिवस मनाया जाता है वो 1 नवंबर 1966 से शुरुआत हुई थी इसकी, और ये सेलिब्रेट किया जाता है पर ईयर हर साल 1 नवंबर को। केदारनाथ मंदिर में किस भगवान की मूर्ति या किस भगवान का उसमें स्थापन है? तो वो है शिव जी का। लिफ्ट का आविष्कार किस व्यक्ति ने किया था? देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिफ्ट का आविष्कार किसने किया था? एफ सी ओटिस ने किया था लिफ्ट का इन्वेंशन। बहादुर शाह का उपनाम क्या था? बहादुर शाह का उपनाम था शाह ए खबर। ये एक सब टाइटल आप कह सकते हैं कि यानी शाह ए खबर के नाम से भी जाना जाता था बहादुर शाह जी को। पुरंदर की संधि कब हुई थी? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पुरंदर की संधि कब हुई थी? आप याद रखिए 1776 ईस्वी में, यानी 1776 में हुई थी पुरंदर की संधि। हाथी के जादूगर को क्या कहा जाता है? यानी सॉरी, हाथी के जो जादूगर थे उनका क्या नाम था? यानी इंडिया के सबसे जो हॉकी जो राष्ट्रीय खेल है उसके सबसे ज़्यादा जो परफेक्ट खिलाड़ी थे या सबसे ज़्यादा फेमस खिलाड़ी थे, जो कि सबसे अच्छा खेलते थे वर्ल्ड लेवल पे, और उनको देखने के लिए हिटलर स्पेशली आया था उनका मैच देखने के लिए, तो उनका नाम है मेजर ध्यानचंद जी, जो कि इनका जो हॉकी था वो बहुत ही अच्छा खेलते थे हॉकी, इनसे अच्छा कोई नहीं खेलता था उस समय जब ये खेलते थे हॉकी। रंगा स्वामी कप किस खेल से संबंधित है, या किस खेल में रंगा स्वामी कप दिया जाता है? रंगा स्वामी जो कप दिया जाता है वो हॉकी में दिया जाता है, जो कि नेशनल गेम है, तो हॉकी में दिया जाता है रंगा स्वामी कप। तो कई तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे कोई पार्टिकुलर आपसे पूछ लिया जाए किसी खेल के बारे में, या एक पार्टिकुलर कोई ट्रॉफी का नाम दे दिया जाएगा, आपसे पूछ लिया जाएगा इस ट्रॉफी को किस खेल में दिया जाता है, तो आपको याद होना जरूरी है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? देखिए आप जानते होंगे, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। अहिंसा शब्द से ही आप रिकग्नाइज कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। अहिंसा जो शब्द है वो जुड़ा हुआ गांधी जी से, तो आप याद रखिए 2 अक्टूबर को गांधी जयंती होती है, उसी दिन स्वच्छता दिवस भी लोग मनाते हैं, एंड 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय पूरा इंटरनेशनल लेवल का अहिंसा दिवस मनाया जाता है, ना कि इंडिया लेवल का है, इंटरनेशनल अहिंसा दिवस मनाया जाता है। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पे है? इंटरपोल का मतलब क्या होता है? इंटरपोल जैसे इंडिया में सीबीआई होती है, एक पर्टिकुलर कंट्री में छानबीन करने वाली होती है, एक होता वर्ल्ड लेवल पे, जैसे कोई वर्ल्ड लेवल पे क्राइम होता है या बहुत ही मेजर इशू हो जाता है जो रिजॉल्व नहीं हो सकता एक कंपनी के, एक कंट्री के थ्रू, तो एक इंटरपोल का जो संस्थान है उसके अंतर्गत तो वर्ल्ड लेवल का जो क्राइम होता है उसमें वो लोग उसकी इन्वेस्टिगेट करते हैं, वो इन्वेस्टिगेशन करते हैं वर्ल्ड लेवल पे, इसलिए इंटरपोल का जो मुख्यालय है वो पेरिस फ्रांस में है। तो आप इस क्वेश्चन को जरूर याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अर्थशास्त्र के पिता किसे कहा जाता है, यानी अर्थशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? यानी आप यूं कहिए कि जो अर्थशास्त्र के जन्मदाता थे वो कौन थे, वो किसे कहा जाता है पूरी तरह से अर्थशास्त्र के पिता को? एडम स्मिथ, जो आधुनिक युग में एडम स्मिथ को कहा जाता है अर्थशास्त्र के पिता।
सरकार की कर एवं व्यय संबंधी नीति को क्या कहते हैं? देखिए, सरकार जिसमें कर लगाती है, व्यय संबंधी जो नीतियां होती है, निहित होती हैं नीतियां या इंक्लूडिंग होती हैं, उसको क्या कहते हैं? उसे कहते हैं राजकोषीय, राजकोषीय नीति। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आप इस क्वेश्चन को जरूर याद रखिए, क्योंकि इस क्वेश्चन के आने के जो चांसेस है बहुत ही ज़्यादा है। नमक को बर्फ में मिलाने से बर्फ जल्दी गलती है या कुछ देर तक बर्फ जो स्टे रहती है उसके बाद गलती है? आप, ये क्वेश्चन आसान है, आप याद कर सकते हैं। इसे कम हिमांक होता है यानी गलनशील कम होती है यदि आप बर्फ में नमक मिलाते हैं तो। ये क्वेश्चन आप आसानी से याद कर सकते हैं। जैसे आज आपने यदि कुल्फी आइसक्रीम कभी देखा होगा मेकिंग करते हुए, या जो बेचते हैं आप उनको भी देखेंगे तो उसमें नमक जरूर मिलाते हैं। कुल्फी, स्पेशली कुल्फी जब बनाई जाती है तो नमक मिलाया जाता है बर्फ़ के साथ में, ताकि ज़्यादा देर तक टिके बर्फ़, और उससे उनका अच्छा खासा उसमें जम जाए आइसक्रीम। तो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके कमिंग एग्जाम है उसमें हेल्पफुल होंगे आपके लिए। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब के साथ आप बेल आइकन को क्लिक करिए ताकि लेटेस्ट अपडेट जो भी मैं अपलोड करता हूँ अपने चैनल पे आपके पास ऑन टाइम पहुंच जाए और आप उस समय उस वीडियो को देख सकें। आप वीडियो देखने के साथ एक बार चैनल जरूर सब्सक्राइब करके आप शेयर करिए। शेयर करते हैं तो एक प्रोत्साहन मिलता है, आपका शेयर ही मुझे प्रोत्साहन मिलता है। यदि आप शेयर करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो मुझे एक एनर्जी मिलती है। एक नए वीडियो के साथ मैं आऊँगा अगले दिन। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।